अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज सीन्स कुछ ऐसे हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर सब कुछ हवा बहुत ज़्यादा चल रही है और यहाँ पर इतनी सर्दी है, एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। हाँ चलते हैं, हाँ सही है, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है यहाँ पर। कराची में बहुत गर्म मौसम था, जाके दिखाती हूँ आगे। बहुत ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर, मुझे ना ऐसा एनवायरनमेंट बहुत पसंद है, ग्रीन ग्रीन सब कुछ। और जैसे यहाँ पर सामने क्या है, ये क्या है, फिश फार्म, फिश फार्म है यहाँ सामने, जिसका दिल चाहे आके यहाँ से मछलियाँ पकड़ ले। बारिश की वजह से थोड़ा गंद भी मच गया, लेकिन मौसम बहुत ठंडा हुआ हुआ है। वहाँ पर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स लगी हुई हैं, चलते हैं अब उस साइड जो है वहाँ हम जाएंगे शाम को, वहाँ से मैं सारा कुछ आपको दिखाऊंगी। फिर अभी तो मुझे जाना है सैलून, जहाँ पर हमारी बुकिंग हुई है वहाँ जाना है, मार्केट जाना है, सामान लेने। बाकी मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है, पता होता तो मैं अपने साथ जैकेट्स वगैरह भी लेकर आती, अंदाज़ा ही नहीं था कि यहाँ पर ऐसा मौसम होगा। सो हेयर आई एम एट द ब्लश, बिकॉज मुझे जो है वो यहाँ से रेडी होना है। और इन्होंने अच्छी गेम की है हमारे साथ, दो दिन हमें तैयार कर दिया, तीसरे दिन हमें भगा दिया है। अपना पॉलर ही बंद करके चली गई है, हालांकि हमारी बुकिंग थी। अब देखते हैं हम बेचारे कहाँ जाते हैं। आज हम मोहम्मद को भी अपने साथ ले आए थे, क्योंकि मोहम्मद जो है वो घर पर बहुत तंग करता है सबको, तो इसलिए हमने सोचा कि आज हम इसको भी साथ ले आते हैं। एनीवे अब हम कोई और पॉलर जो है वो देखते हैं और वहाँ जाते हैं रेडी होने के लिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ऑन टाइम जो है वो सेकंड सैलून भी मिल गया है और हमारी बुकिंग भी अर्जेंट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो है वो मतलब हमारी टेंशन ही ख़त्म हो गई है। देखते हैं हमें यहाँ की मेकअप आर्टिस्ट कैसा रेडी करती हैं, क्योंकि मैं तो दो दिन बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुई यहाँ से। कराची कराची है भाई। मैं चलती हूँ मेकअप रूम में रेडी होने के लिए और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से रेडी होके। तो यहाँ हम ऑन टाइम रेडी भी हो गए हैं और अब हम वेट कर रहे हैं अपने ड्राइवर का। ड्राइवर आता है तो फिर हम उसके साथ जाते हैं, क्योंकि आज है वलीमा डे तो हमें थोड़ा सा जो है वो दूर जाना है। और लिटरली ये चीज़ मुझे इतनी बुरी लगती है ना, कि आपको कहीं भी जाना है यहाँ आकर तो आपको एक आवर दो आवर का जो है वो ट्रैवल करके फिर जाना है, मतलब भाई कोई भी 10-15 मिनट के डिस्टेंस पर नहीं रहता है यहाँ पर। एनीवे हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, तो मिलती हूँ आपसे मैं अंदर चलकर। ये जगह मुझे अच्छी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पर भी अपना शूट करवाऊँ, क्योंकि मुझे जो है भाई पिक्चर्स बनाने का बहुत शौक है। लिटरली आपकी बहन को बहुत शौक है पिक्चर्स बनाने का, तो मैं करवाती हूँ यहाँ पर अपना फ़ोटो सेशन और फिर मैं जो है वो कंटिन्यू करती हूँ।
और यहाँ पर कैमरामैन को मेरे ब्लॉग में आने का बहुत शौक था, इसलिए वो सामने से हटने की कर ही नहीं रहा था। खैर, आई एम अपलोडिंग दिस ब्लॉग टू लेट, क्योंकि जो है वो मेरे फाइनल से स्टार्ट हो गए हैं। इस वजह से जो है वो मैं एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकी, मैं ब्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। सो मैं जो है वो फर्दर भी ब्लॉग अपलोड करूँगी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं आपको जो है वो लिंक अपना प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज़ मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।